तीन दिवसीय इंडिया आर्ट फेयर का समापन हो गया है। इस दौरान बड़ी तादाद में कला प्रेमी ने शिरकत की और कलाकारों के अद्भुत कला संग्रह के गवाह बने। खूबसूरती जब कलाकारों के जहन से निकलकर धरातल पर उतरती है तो ऐसे ही नजारे बनते हैं। ओखला में हुए इंडिया आर्ट फेयर में ऐसे ही दिलकश नजारे देखने को मिले। राष्ट्रपति महात्मा गांधी हो, शांति के प्रतीक बुद्ध हो या फिर लंका को जलाने वाले हनुमान, इंडिया आर्ट फेयर में सबको कला के ऐसे रंगों में पिरोया गया कि देखते ही बनता है। कला सिर्फ एक खूबसूरत आर्ट भर नहीं होती, उसमें छुपा होता है एक संदेश। आर्ट गैलरी में वैसे तो कई आर्ट पीस देखने को मिले जिन्होंने लोगों का ध्यान खींचा। अब जरा देखिए इस पेंटिंग को जिसमें बंगाल में पड़े भीषण सूखे के बाद के हालात को दिखाया गया है। इस पेंटिंग में आर्टिस्ट ने ये दिखाया है जब बांग्लादेश में 65 में फैमिन पड़ा था, भूख ड्रॉट पड़ा था, उसमें जो वहाँ का सीन था, गरीबी थी, उस चीज को दिखाया है। ये एक आर्टिस्ट अभी एक अलग ही स्टाइल के लिए मशहूर है। उनका एक रेयर वर्क है जो ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, ये उनकी शुरुआत का काम है और बहुत स्ट्रांग है। अभी हम उनका थोड़ा सॉफ्ट वर्क देख रहे हैं, बट दिस इज समथिंग विच इज मोर ऑफ अ वेरी सीरियस नेचर एज वेल एज अ म्यूजियम क्वालिटी। आर्ट फेयर में दिल्ली समेत मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई की आर्ट गैलरियों का दबदबा रहा। रविवार को इंडिया आर्ट फेयर का आखिरी दिन था। छुट्टी का दिन होने के चलते लोग बड़ी संख्या में कला के बेहतरीन नमूनों को देखने पहुंचे। मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ है और इस टाइप का हमारे यहाँ होता रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि इसमें इंटरनेशनली टोटल गैलरीज भी हैं और आर्टिस्ट भी आते हैं, तो उससे हम लोगों को बहुत इंस्पिरेशन के लिए काफी कुछ मिलता है। तो ये अच्छा लगता है। पेंटिंग्स ऑल आर वेरी गुड और ऑल द गैलरीज ब्रॉट वेरी वेरी नाइस वर्क, क्वालिटी वर्क्स। इंडिया आर्ट फेयर का ये पांचवां साल था जिसमें भारत समेत 24 देशों ने हिस्सा लिया। रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। और दिल्ली आज तक के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। दिल्ली और एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।